कुछ दिनों में या कहीं कुछ वर्षों में हम इन्वेंटिंग प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट जो है रेज करेंगे। और ये स्टार्टअप का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है बहुत ही अच्छा लगा। तो फिलहाल मैं भी उद्योग विभाग में मौजूद हूँ और यहाँ पर का जो पल है बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखने के लिए मैं आया था, कुछ लेने के लिए आया था। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं लोगों को। बिहार स्टार्टअप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मैंने ग्रहण करी है, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्त मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो है क्या क्या चीज़ें जो हुई है। आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन टर्नओवर अगर 10 लाख से अबव है आपको टैक्स ऑडिट फाइल करना है। इंटरनल ऑडिट इज लाइक आप अपने इच्छा से ऑडिट कराना चाह रहे हैं, कहीं मेरे सारे बुक्स को प्रॉपर मेंटेन हो रहे हैं ना, सारी इनकम प्रॉपर की है ना, क्या कोई एम्प्लॉय इसमें लाइक कुछ मैल फंक्शन ना करे या लाइक कोई भी इंटेंशन गलत इंटेंशन तो नहीं है, तो कंपनी के टर्म में मैंडेटरी होती है अगर आपका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर है या आपने जो बॉर्डिंग लिए हैं किसी इन्वेस्टर से बैंक से वो 200 करोड़ से अबव है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर पार्टनरशिप, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपना इंटरनल ऑडिट खुद करें या अपने खुद लेके बैठे, चलो आज मैं फ्री हूँ, आज मेरी छुट्टी है, संडे है, चलो मैं देखता हूँ कि एम्प्लॉय ने सही को मेंटेन किया है कि नहीं किया है, सारे पैसे जो इनकम हुए हैं वो प्रॉपर आए हैं कि नहीं, या खर्चे जो है वो प्रॉपर हुए हैं कि, या फिर ये जानना है कि आज मेरे टर्नओवर कितने थे, मैंने इस पीरियड में 1 मंथ में 1 क्वार्टर मतलब 3 मंथ के पीरियड में मैंने कितना अर्न किया। There are various other legal requirements like shop and establishment license. आप किसी भी platform में business या shop खोल रहे हैं, किसी को खोल रहे हैं, किसी को business खोल रहे हैं, तो you have to take this shop and establishment license. Next is import export license, custom duty के तहत मैंने आपको बताया कि अगर आप इन national boundaries से बाहर work करना चाहते हैं, चाहे वहाँ से कोई raw material लाना चाहे या अपना product वहाँ से sell करना चाहे, you have to take the import export license. Next is FSSI license, that is food safety and standard operating. आप food related products कुछ बना रहे हैं या आप किसी different group हो रहे हैं, you have to take this license. क्या आपका food उतना level का है कि किसी को harm ना करे? Basically ये इसलिए लेना भी जरूरी है, mandatory होते हैं ये. उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन किसी ने करवाया है? ओके, तो आप लोगों को पता है कि इसका क्या फायदा है? हाँ, फायदे हैं, जो भी उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आप लोग अवेल कर सकते हैं अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन करवाया है। अदर लाइसेंसेस बहुत तरीके के होते हैं, लाइक आप ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है, डिफेंस रिलेटेड वर्क है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको आरबीआई के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको आरबीआई के लिए होंगे, आईआरबीआई के लिए होंगे, ये सब टेक्नो पे भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको यूज करना है किसका? गूगल को, पहले याहू भी था। याहू में आई थिंक गूगल को पहले नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई वो काफी फॉरवर्ड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। पहले भी सर ने काफी बताया इसमें कि आपका ऑडियंस कौन होना चाहिए। आप पहला चीज इन्वेस्टर, दैट्स वेयर आई विल एंड, फाउंडर्स पैशन, वेरी वेल कि फाउंडर उस और वो टेस्ट करता है, किस चीज पे टेस्ट करता है?
कि फाउंडर अपने जो जो प्लान बनाया है उसने वो कॉन्फिडेंट है या नहीं, वो तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाकर पूछेगा, तो मैं वो पूछा था यार ये तो ज़ोमैटो कर रहा है, तुम क्या सही है ज़ोमैटो कर रहा हूँ, लेकिन ज़ोमैटो इंडिया स्केल में कर रहा है, मेरे को उतना मैं बोला मैं तो गोयला मार्केटिंग करने वाला हूँ, जो मार्केट में वो नहीं घुसा हुआ उसमें करेंगे सर, ज़ोमैटो धनबाद में है, कितना मार्केट है उसका, उसको कब समझ आया बनता तो डिफरेंट है। मैं बोला वो ए मार्केट्स में घुसता है पहला, जब तक वो बी सोचता है तब तक वो ए इतना बड़ा वाला था तो बी में घुसता ही नहीं है वो, और सी तो सोचता ही नहीं है, बट रिक्वायरमेंट तो ए बी सी डी ई एफ जी सब में, तो मैं उस जहां जहां वो नहीं घुसा वहां वहां मैं चला गया। मुझे सिलेक्ट किया गया, मेरे आइडिया को सिलेक्ट किया गया है, और आज ये स्टार्टअप का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया हीरो लैब में, ये बहुत ही अच्छा लगा कि एक सबका जो क्वेश्चन था कि सबको ये लग रहा था, मन में मुझे भी लग रहा था कि क्या करें, कुछ टेस्ट होना है या फिर सिर्फ क्या क्वेश्चन होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा रखा गया है इनोवेशन, मतलब ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिससे हम लोगों को सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर आउट होते हैं, और अच्छा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प भी मिल रहा है। मेरा नाम नाम उदय, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, मैं इन्वायरमेंटलिस्ट और मक्के के छिलके से मैंने सिंगल प्लास्टिक का अल्टरनेटिव किया है, और जिससे मैं 10 प्रोग्रेस प्लास्टिक से रिप्लेस कर चुका हूँ, जैसे प्लेट कटोरी, चॉकलेट फ्लेवर, कप वगैरह वगैरह, और आने वाले कुछ दिनों में या कहीं कुछ वर्षों में मेरा कमिटमेंट है प्लास्टिक से 100 प्रोडक्ट्स जो है रिप्लेस करेंगे, और मुझे जो है पर्सनली मेरी कंपनी का नाम उज़ैर मैन्युफैक्चरर है, जो कि मैंने घर पे स्टार्टअप किया है, और मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का वर्क करता था, मेरा मन नहीं लगा, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में छोड़ दिया हूँ, और एम टेक करने के बाद मैं इस लाइन में आ गया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, और खासकर मैंने जो अंधेरे स्टार्टअप ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं सिलेक्शन हुआ यहाँ पर मैं आया हूँ, बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, और इसको लेकर के मैं उनको विवाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल की गहराई से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।